वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि संशोधन के जरिए दान और परोपकार जैसी अवधारणाओं को कमजोर करने और अतिक्रमण करने वालों को संपत्ति का मालिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना है कि ये बिल कब पूरी तरीके से पास हो पाएगा। भारत एट 9 देख रहे आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया। हालांकि इससे पहले ही बिल की आलोचना शुरू हो गई थी। ये कहा जा रहा है कि संशोधन के जरिए दान और परोपकार जैसी अवधारणाओं को कमजोर करने और अतिक्रमण करने वालों को संपत्ति का मालिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, वक्फ कानून का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि प्रस्तावित संशोधन इस कानून के नाम से मेल नहीं खाते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित संशोधन विधेयक की कॉपी भी सभी सांसदों को बांट दी गई थी। सरकार का दावा है कि संशोधन कानून में मौजूदा खामियों को दूर करने और वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। वक्फ में रुचि इसके तहत आने वाली बड़ी संपत्तियों की ओर भी इशारा करती है। वक्फ की 8.72 लाख संपत्तियां और 3.56 लाख जायदादें कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्तियां किसी के अधीन हैं तो वो वक्फी है। इन तीनों के पास देश में सबसे ज्यादा जमीनों का मालिकाना हक है। अदालत में कानून को चुनौतियां। दरअसल पिछले 2 सालों में देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में वक्फ से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद इस कानून में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। अदालत में दी गई अर्जियों में वक्फ कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जैन, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों समेत दूसरे धर्मों में ऐसे कानून लागू नहीं होते। वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि धार्मिक आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता। भारत ऐसा राष्ट्र नहीं हो सकता जहां 2 कानून हो, यहां एक देश और संपत्ति के लिए 1 कानून हो। अदालतों में दायर 120 याचिकाओं में से तकरीबन 15 मुसलमानों की ओर से भी दायर की गई हैं। दान और परोपकार वाले काम कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक कुर्बान अली संशोधन को प्रमुख जमीनों पर सरकारी कब्जे की कोशिश के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए है। हाँ, मौजूदा वक्फ कानून में कुछ कमियां जरूर है और वक्फ बोर्ड से जुड़ी कई इकाइयों में भ्रष्टाचार की बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता। इसका प्रबंधन भी ठीक से नहीं हो रहा है। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित 44 संशोधनों से पहले ही कई छोटे शहरों, कस्बों, खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन देखे जा चुके हैं। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों के अनुसार वक्फ को ऐसा कोई भी व्यक्ति संपत्ति दान दे सकता है जो कम से कम 500 सालों से इस्लाम का पालन करता हो और जिसका संबंध जमीन पर मालिकाना हक हो। देखिए, प्रस्तावित संशोधन के तहत अतिरिक्त कमिश्नर के पास मौजूदा वक्फ की जमीन का सर्वे करने के अधिकार को वापस लिया गया। उनकी बजाय ये जिम्मेदारी अब जिला कलेक्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान प्रतिनिधि रखने का प्रावधान किया गया है। नए संशोधनों के तहत बोरा और अखागनी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की बात कही गई है। वक्फ का पंजीकरण सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए होगा। इस पोर्टल के जरिए मुतवल्ली यानी कि वक्फ संपत्ति की देखरेख करने वालों को खातों की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही सालाना 5,000 रुपए से कम आय वाली संपत्ति के लिए मुतवल्ली की ओर से वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली राशि को भी 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। किसी संपत्ति के वक्फ के तहत आने वाले या ना आने का फैसला लेने वाला वक्फ बोर्ड का अधिकार वापस ले लिया गया। नए प्रस्ताव के अनुसार मौजूदा 3 सदस्य वाली वक्फ ट्रिब्यूनल को भी 2 सदस्य तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन इस ट्रिब्यूनल के फैसलों को अंतिम नहीं माना जाएगा और 90 दिन के भीतर ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नए विधेयक में सीमा, देखिए, अधिनियम को लागू करने की अनिवार्यता को हटाने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि जिन लोगों का 12 साल से वक्फ जमीन पर अतिक्रमण करने के कब्जा किया हुआ है वे संशोधन के आधार पर मालिक बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वक्फ है क्या। हमने एक प्रोग्राम में पहले ही आपको बताया था, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार चर्चाएं काफी दिनों से चल रही है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर दी गई वस्तु या जनता की सेवा के लिए दिया गया धन।
इसके दायरे में चल अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रखरखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज होती हैं। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव या अन्य धर्मार्थ कार्यों में मदद करना है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। अधिकतर के मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल कर काम करता है। साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट पास किया गया था, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाजों को सरल बनाना और तमाम प्रावधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक को लेकर प्रावधान है। इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक साल 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में एक तरीके से केंद्र सरकार को सलाह देती है। साल 1995 में वक्फ बोर्ड में बदलाव किया गया और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई थी। जमीन कितनी है वक्फ विवाद, ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पर आता है और 2009 में ये जमीन 4 लाख से ज्यादा एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई है। मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड को ज्यादा संपत्तियां मुस्लिम शासनकाल में मिली। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही वक्फ संपत्तियां मिलती रहीं। मुगलों के शासनकाल में भी वक्फ संस्थाओं को मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह के लिए बेहिसाब जमीनें मिली हैं। लेकिन 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने वाले तमाम मुसलमानों ने भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर दी थी। अभी वक्फ की जमीन वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही है। आज बिल रख दिया गया है, लेकिन बिल अभी अधर में लटका हुआ है। अब देखना है कि ये बिल कब पूरी तरीके से पास हो पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।